नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। अभी अभी सेना ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को कर दिया ढेर और कई 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 आतंकवादी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ऐसा धमाका किया गया है जो इसराइल की तर्ज पर है। इसराइल की तर्ज पर ही आतंकवादियों के ढांचे को, उनके लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया है। आप बता दें, आतंकवाद जो है वो आतंकवादी सबसे बड़े लोकतंत्र के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो है आतंकवाद, और आतंकवादियों को ख़त्म करना किसी भी देश का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई और देश हो। आपको बता दें, आज जो 100 से ज़्यादा जो आतंकवादी मारे गए हैं, इनके मरने पर खुशी हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई आतंकवाद से ग्रस्त देश रहा है तो वो है हिंदुस्तान। आपको पता है कि घाटी में हमेशा से आतंकवादियों ने खून बहाया है, कई मासूमों की हत्या की है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रार्थना करता है, आतंकवादियों के खात्मे के लिए हमेशा से तैयार रहता है। और आज ऐसा ही हुआ जब 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर कर दिए गए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, दरअसल ये कारनामा किसने किया है। तालिबानी आतंकवादियों पर अफगानिस्तान के सुरक्षा बल काल बनकर टूट रहे हैं। जी हाँ साहब, ये बड़ी खबर दरअसल अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के जवानों ने, सैनिकों ने आतंकवादियों पर कहर बरपाया है। अफगानी सुरक्षा बलों ने आतंकवाद पर ऐसा प्रहार किया कि 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा अधिक आतंकवादी ढेर हो गए। अफगानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक देश भर में 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई में 100 से अधिक तालिबान आतंकवादी मारे गए। खामा प्रेस के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि अफगान की सरकारी सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच संघर्ष में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर हुए ऑपरेशन के दौरान 50 आतंकवादी घायल हुए हैं, कई हथियार जब्त किए गए हैं, कुछ मात्रा में गोला बारूद भी नष्ट किया गया है। आतंकवाद खिलाफ ये बड़े ऑपरेशन पिछले 24 घंटे में लगमन, कुनार, नगरहार, गजनी, पक्तियाँ, मैदान, वर्दक, खोस्त, जाबुल, बडगी, हैरात, फरियाब, हेलमंद और बगलाग प्रांतों में किया गया। खामा प्रेस ने आगे बताया कि आतंकवादियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में 35 प्रकार की माइंस बिछाए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा और तालिबानी विद्रोहों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। हालांकि तालिबान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर दावा घोषित नहीं किया है, मगर व्यवहारिक रूप से उसने पूरे देश में कई स्थानों पर सुरक्षा चौकियों और काफिले पर हमला करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में अगर तालिबान को ख़त्म करना था या उनके हमले से बचना था तो अफगानी सुरक्षा बलों को इतना बड़ा हमला करना जरूरी बन गया था। आपको बता दें, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जाना कोई मामूली खबर नहीं है। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चाहिए। इस पूरे ऑपरेशन में आप समझ सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में कितनी बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने अपनी भूमिका निभाई होगी, कितने बड़े हथियारों का प्रयोग किया गया होगा, कितनी गोलियां बरसाई गई होंगी, इसका अंदाज़ा हम और आप यहां बैठकर नहीं लगा सकते। क्योंकि जब सैनिक उतरते हैं, जब जंग के मैदान में उतरते हैं, तो ये सोच के उतरते हैं या तो मरना है या जीना है। और ख़ासकर आतंकवादियों के खेमे में उतर कर आतंकवादियों को नष्ट करना वैसे भी मौत के दरवाजे पर खड़े होने के बराबर है, क्योंकि आतंकवादियों को न मरने का डर होता है, न जीने का कोई उनके पास ख्वाब होता है। ऐसे में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से अपना अदम साहस और साहस का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ़ है। मैं हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान से की सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी आतंकवादियों से निजात पाना हो तो सिर्फ एक बार इसराइल स्टाइल में धमाका करके देखिए। पूरा पाकिस्तान अगर ना हिल जाए तो कहिएगा, पूरे पाकिस्तान में आने वाले 100 सालों में कोई भी भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी।
मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।